आई हैजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग अब जो है उनको हेजिटेट फील हो रहा है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का क्योंकि हो सकता है कि जब आपने इन इनसे फीलिंग एक्सप्रेस की थी उस टाइम में इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया था आपको और अब इनको हैज़िटेट हो रहा है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में क्योंकि अब इनके दिल में प्यार मुझे दिख रहा है अब इनके दिल में मुझे फीलिंग्स दिख रही है आपके लिए ठीक है इमोशनल फीलिंग दिख रही है इमोशनल अटैचमेंट दिख रही है तो नमस्ते सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर मैं श्री आप सब की श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ सबका तहे दिल से स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब मजे में होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे सो गाइज आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए क्या है ओके okay? um, आपके क्रश आपको लेके कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में वो क्या सोचते हैं उन्हें आप में क्या पसंद है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इस रीडिंग में हम देखेंगे सो टाइमलेस रीडिंग है ये जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपके लिए है कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको जरूर मिलनी है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं कलेक्टिव रीडिंग है जनरल रीडिंग है, है बस इतना ही दिमाग में रखना है सारी चीज़ें आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है लेकिन जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप एज गाइडेंस उसे रख सकते हैं ओके सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन द रीडिंग सो so, मैं ट्राई कर रही हूँ अभी कि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट कर पाऊँ बट कितनी फ्रिक्वेंटली मैं वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी आई डोंट नो जैसे हो पाएगा वैसे मैं ज़रूर करूँगी ओके डेली इफ अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं करूँगी ज़रूर अगर नहीं होगा तो जैसे पॉसिबल होगा मैं वैसे पोस्ट करूँगी ठीक है डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग बताएं डिवाइन मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है बताएं बताए जिन्नो टाइम प्लीज़ क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में Oh, queen of Cups King of Wands oh my goodness <laughs> Queen of Wands yeah what a king or queen energy is six of Wands okay The hermit, okay. Knight of Pentacles. Okay. Some more guidance, please divine. Some more messages, please. Some more messages, please divine. Time, please. Temptation Self Sabotage Inner Child. Procrastination. Okay. Sadness. And home. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है डिवाइन प्लीज टू में प्लीज टॉप टू म्यू प्लीज प्लीज विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम ओके give me a chance i hesitate to express my feelings okay will you accept the real me i'm happy don't worry about me okay I feel guilty for the way I treated you. Oh, okay. Visible hai card 1 minute. सो ऑल साइंस रीडिंग है ये ओके okay, क्रश की फीलिंग हम देख रहे हैं और आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आपके क्रश की क्या कौन से साइन है कि हैं वो ठीक है सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे किसी और के लिए और इनका ब्रेकअप हुआ है या फिर इनका ब्रेकअप होगा ठीक है अगर ये थर्ड पार्टी में है या फिर किसी और से ये रिलेशनशिप में है तो उनके साथ इनका ब्रेकअप या तो हुआ है या तो होगा ठीक है आने वाले टाइम पे मतलब एकदम रीसेंट uh, फ्यूचर की मैं बात बता रही हूँ ठीक है या तो होगा या तो फिर हुआ है प्रेजेंट में ठीक है और ब्रेकअप के बाद ये इंसान जो है बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में है आ, पहले के इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल थे बहुत ज़्यादा यू नो अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे बहुत ज़्यादा पैशनेट थे ठीक है बहुत सेंसिटिव थे ऐसा हो सकता है ठीक है और ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनल हो बहुत ज़्यादा लेकिन बहुत रोमांटिक भी हो आप और इनसे बहुत ज़्यादा आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स हैं इनको ये भी पता है ठीक है मुझे लगता है ये इंसान अभी रेडी नहीं है आपके लिए क्योंकि ये अभी खुद ही एक वैसी एनर्जी में नहीं है कि ये आपको अभी एक्सेप्ट कर पाए बट बत इनको पता है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत फीलिंग है ठीक है ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं और ये जो पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं अभी प्रेजेंट में ये बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में है ठीक है इनको कोई भी बांध के पकड़ के कोई रखना चाहेगा तो ये भाग जाएंगे वहाँ से इमोशनल वाली कोई चीज़ में ये अटैच नहीं होना चाहते हैं ठीक है थीके? किसी से भी अभी इमोशनली अटैच ये नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है और मे बी ये बाईस वर्षा हो सकती है आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है ठीक है क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है और आप you know, यू नो बहुत सब पास्ट में इमोशनल थे और अभी आप बहुत ज़्यादा प्लेयर वाली एनर्जी में हो बहुत लोगों से आप चैट कर रहे होंगे बात कर रहे होंगे और ये इंसान को पता है कि अगर इन इन्होंने आपको पकड़ने की कोशिश की ज़बरदस्ती पॉजिटिवनेस दिखाया आपको इमोशनल होकर आपको यू नो अपनी फीलिंग्स बताया तो आप भाग जाओगे इनको छोड़ के क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो इमोशनल अटैचमेंट के लिए ओके ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस ज़्य। 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 हो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो बहुत ज़्यादा यू नो अब हो गया ठीक है एकदम क्विक एक्शन लेने वाले इंसान हो आप आप ऐसे हो कि ठीक है अभी पता है कि दोनों दिन में फीलिंग्स है ना वॉट नेक्स्ट ठीक है हमेशा नेक्स्ट क्या है वो आपको देखना होता है आप बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियाटिक हो बहुत ज़्यादा आप में करेज है बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो ठीक है इस तरह से देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं क्योंकि किंग ऑफ वर्नस की एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये आपकी पर्सनैलिटी हो सकते हैं या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं ठीक है थीके? ऐसे इंसान जो कि कहीं भी जाएं तो यू you नो know, सबकी नज़रें जो हैं उन पे रहें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ऐसे एक इंसान या तो ये आपकी है या फिर आपके पर्सन के एनर्जी ही है ठीक है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा करीजियस बहुत इंथुजियास्टिक हैं आ, जो जो काम करना है वो अभी करना है आप उसको टालते नहीं हो कि नहीं बाद के लिए फिर देखेंगे बाद में एक किंग क्वीन वाली एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान ठीक है बहुत ज़्यादा पैशनेट बहुत ज़्यादा सेंशुअल ठीक है ये इनको लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो क्योंकि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और इसलिए आप नेक्स्ट किसी इमोशनल अटैचमेंट के लिए आप रेडी अभी नहीं होंगे या फिर ये इंसान का अभी ब्रेकअप हुआ है और ये इंसान जो है अभी रेडी नहीं है इमोशनल uh, अटैचमेंट के लिए ठीक है सो मुझे लगता है कि इनको अभी इमोशनली कोई अगर पकड़ना चाहेगा तो ये भाग जाएंगे उस, उस जगह से उस इंसान से ये वापस घूम के उनको नहीं देखेंगे क्योंकि ये अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो मिलना है ना वो डेस्टेंड है ऐसा दिख रहा है मुझे ठीक है किंग और क्वीन की एनर्जी है तो मे भी आप लोग सोलमेट हो सकते हो या फिर पास लाइफ कनेक्शन आप लोग का हो सकता है तो किसी का मिलना हमारे लाइफ में ऐसे ही नहीं होता है ठीक है उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं कोई हमारे लाइफ में आता है कोई हमें अच्छा लगता है किसी के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो वो सब जो हैं डेस्टेंड होता है वो चीज़ें वो हम खुद से नहीं करते हम जान के नहीं करते हैं वो ठीक है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का मिलना जो है वो डेस्टिड है और ये चीज़ें अभी मुझे लग रहा है कि दोनों ही आप तैयार नहीं हो इस चीज़ के लिए मतलब इमोशनल अटैचमेंट के लिए बस आप फ्लट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ और यू you नो know, अच्छा लग रहा होगा आप दोनों को एक दूसरे से बात करके चैट करके मे बी लेट नाइट चैट कर रहे होंगे आप दोनों और वो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी एक दूसरे का बस साथ um, बात करके एक होता है ना कि अच्छा लगता है पॉजिटिव फील होता है यू नो you know, एक सेटिस्फैक्शन फ़ील होता है वैसे एक फीलिंग देख रही हूँ मैं लेकिन यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट मुझे भी नहीं दिख रहा है सक्सेस जो है अभी इस रिश्ते में मुझे नहीं दिख रही है और आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि आगे आ, पता नहीं आपका यू नो क्या होगा फ्यूचर और साथ में फ्यूचर आपका है कि नहीं है या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनका फ्यूचर है कि नहीं है सक्सेस उनको मिलेगी कि नहीं क्योंकि सक्सेस का कार्ड जो है विक्ट्री का जो कार्ड है वो ऑब्स्टिकल में है ठीक है तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं या फिर आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता क्योंकि आपको बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी देख रहे हैं वो ठीक है किंग और क्वीन की पर्सनैलिटी में देख रहे हैं आपको बहुत गो गेटर वाली पर्सनलिटी हो आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने वाले हो आप एक साथ बहुत सारे काम करने वाले हो आप एक क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा है ऑप्टिमिस्टिक बहुत हो आप बहुत लवली बहुत रोमांटिक ऐसे हो आप बहुत सेंशुअल हो आप आपका और ऐसा है कि यू you नो know, उनको हिम्मत या तो उन्होंने आपने उनको प्रपोज़ किया होगा या फिर आपने उनको अपनी फीलिंग बताई होगी और उन्होंने अभी ये कहा होगा कि अभी वो इस चीज़ रेडी नहीं है या तो उन्होंने कहा है आपको ये या फिर यू you नो know, उनको ऐसा पता है कि आप उनसे आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है और अभी वो रेडी नहीं है ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी ठीक है बिना ही बोले आपको पता है ये चीज़ और मे भी कुछ उनके एक्शंस ऐसे हैं जिनसे कि आप हर्ट हुए हो ठीक है ऐसा आम, दिख रहा है मुझे ना ये मुझे लग रहा है कि यू नो एक ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे आने वाले टाइम पर ये देना चाहते हैं आपको और नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ना सक्सेस है इस रिश्ते में और ना ही आप तैयार होंगे इस रिश्ते के लिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारे प्रपोज़ल यू नो आपको मिलते होंगे बहुत एडमायर्ज आपके होंगे यू नो कहीं भी ऐसा नहीं कभी भी आपको लगता होगा कि आप यू you नो know, कोई आपको पसंद नहीं करता या फिर ऐसी कोई एनर्जी आपकी नहीं होगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप में है इसलिए हमेशा ही आप के लिए यू नो ऑफर्स और लोग जो हैं वो तैयार रहते हैं आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए या फिर रिश्ते में आने के लिए एडमायर्स बहुत होंगे आपके ठीक है तो ऐसी एक पर्सनालिटी आप देख रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन है आप में बहुत सुंदर हो सकती है आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं आपके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं ठीक है ऐसा देख रहे हैं मुझे ओवरऑल जो पर्सनालिटी है आउटलुक जो आपका है वो बहुत सुंदर हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है ठीक है ना इनर आउटर भी अगर ये इंसान देख रहे हैं तो आप अंदर से बहुत इमोशनल बहुत केयरिंग uh, लविंग ऐसे देख रहे हैं आपको और ऊपर से जो आप दिखाते हो वो बहुत ज़्यादा करेजियस बहुत बोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा दिखाते हो आप ठीक है सो ये इनको लग रहा है कि आपके आप रेडी आप नहीं होंगे इनके लिए ऐसा इनको लग रहा है और uh, ये तो कुछ ऐसा कनेक्शन आप दोनों ज़रूर फील कर रहे हैं एक साथ ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ डीप कनेक्शन एक दूसरे के साथ आप फील कर रहे हो एक दूसरे से बात करके आपको बहुत सेटिसफेक्शन फील होता होगा जिससे कि ये लगता होगा कि क्यों मतलब किसी से हम दो चार बार मिले हैं फिर बात किए हैं दो चार बार तो फिर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि यू नो बहुत दिन से जानते हैं उनको या फिर कोई कनेक्शन बिल्ड हो सकता है यहाँ पर या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको सेटिसफैक्शन देगा या फिर जो आपको फुलफ़िलमेंट देगा आगे जाके ठीक है तो ऐसा दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको फैसिनेट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको इमेजन करते हैं मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत एडिक्टेड हैं आपसे बिना बात किए आपसे नहीं रहते होंगे भले ही बहुत सीरियस नहीं जा रहा होगा रिश्ता आपका बहुत कैजुअल जा रहा होगा बट एडिक्टेड हैं आपसे ऐसा दिख रहा है मुझे ठीक है इनको लगता है आप खुद को सेल्फ सपोटैच कर रहे हैं आप किसी के लिए भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है आप किस रिश्ते में जाने के लिए तैयार नहीं हैं या फिर आप ख़ुद को रोकते हैं इनके तरफ बढ़ने से या फिर आप नहीं चाहते हैं कि यू नो कुछ स्टार्ट हो आप दोनों के बीच आप नहीं चाहते हैं ये कनेक्शन इन्हें ऐसा लग रहा है ठीक है इन आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है ठीक है आपके अंदर का जो बच्चा जो चंचलता आप में बहुत होंगी बहुत चंचल होंगे आप बहुत ज़्यादा बात करते होंगे तो आपकी बातें इनको बहुत पसंद होंगी आपकी बातें ये सुनते रहते होंगे या फिर आप जब बोलते हैं तो आपको बहुत ध्यान से सुनते होंगे और यू you नो know, सुनते सुनते कुछ इमेजिन करते होंगे आपको देख के तो इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर का बच्चा को ये बहुत ज़्यादा यू नो पसंद करते हैं ऐसा लग रहा है मुझे ठीक है ये आपसे आपको प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन ये जो है टाल रहे हैं अभी चीज़ों को ठीक है प्रोकास्टिनेशन प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को टाल रहे हैं अभी अभी नहीं बोलना चाहते हैं ये आपको और टाइम देना चाहते हैं आपको और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं आपको ओके कहीं ना कहीं आपकी सैडनेस जो है आपके अंदर का जो दुख जो दर्द है वो ये इंसान देख पा रहे हैं एक तो ये कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए ये कि ये इंसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि कुछ इन्होंने ऐसा किया है जिससे कि आप हर्ट हुए हो ठीक है या तो आपने इनको सामने से अपना इंटरेस्ट दिखाया होगा आपने इनको प्रपोज़ किया होगा या फिर एक हिंट दिया होगा जिससे कि आपको ये न, उस टाइम के लिए इन्होंने मना कर दिया होगा या फिर इनके कुछ ऐसे बिहेवियर जो आपको लगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है और उसके बाद आप थोड़ा सा यू नो अपना एक शील्ड क्रिएट कर रहे हो इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या फिर कम बात कर रहे हो ऐसा हो सकता है तो ये इंसान दुखी है ये सोच के ठीक है कि आप क्यों इन्होंने ऐसा किया क्यों इन्होंने आपको उस टाइम डिनाइल दिया या फिर क्यों आपको नहीं समझा उन्होंने ऐसा ऐसी कोई आ, कोई सैडनेस मुझे दिख रही है इनके अंदर ठीक है किसी किसी के लिए और कोई कोई जो है वो आपके जो अंदर की सैडनेस है जो आपके अंदर का जो पेन है वो देख पा रहे हैं और वो देख के इंसान दुखी हो रहे हैं ठीक है ये इंसान को आपके साथ एक होम वाली फीलिंग आती है कम्प्लीटनेस वाली फीलिंग अच्छा फील होता है इनको आपसे बात करके अच्छा लगता है जैसे लगता है कि घर का कोई मेबर है जिसे बहुत दिन से जानते हैं वैसा फील होता है इनको ठीक है ऐसा दिख रहा है मुझे विश आई कुंडवरी थिंग एंड डू बेटर दिस टाइम तो ऐसा हो सकता है कि यू you नो know, आपने इनको अपनी दिल की बात बताई हो या फिर कोई हिंट दिया हो और इन्होंने आपको उस टाइम ये बोल दिया हो कि ये रेडी नहीं है अभी इस रिश्ते के लिए तो इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से रिवाइंड हो और फिर से जब आप अपने दिल की बात बोले तो ये आपको एक्सेप्ट कर पाएँ या फिर ये आपको प्रपोजल दे पाएँ ठीक है ऐसा दिख रहा है मुझे सो so, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू you नो know, आप, आपने इनको अपने दिल की बात बताई होगी कुछ ऐसा हिंट आपने इनको दिया होगा और ये उस टाइम ये बोले होंगे कि वो रेडी नहीं है इस रिश्ते के लिए क्योंकि वो आपको भी टाइम देना चाहते थे और वो खुद भी टाइम लेना चाहते हैं आपको समझने के लिए इस रिश्ते को समझने के लिए कि क्या कोई फ्यूचर है आप दोनों का एक साथ या फिर क्या आगे जा इस रिश्ते को सक्सेस मिल सकती है ऐसा कुछ सोच के उन्होंने मैं भी आपको जनाइल दिया होगा और अभी उस बात का रिग्रेट होते मुझे देख रहा है उनको ठीक है गिव मी अ चांस तो ये कहना चाहते हैं कि एक चांस मुझे और दो ताकि मैं यू you नो know, सब कुछ ठीक कर पाऊँ और अगर यू uh, नो you know, आपको ये एक अश्योरिटी नहीं दे पाए थे उस टाइम तो ये अब आपको वो एश्योरिटी देना चाहते हैं कि ये भी आपसे प्यार करते हैं ठीक है आई हेज़िटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग अब जो है उनको हेजिटेट फील हो रहा है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का क्योंकि हो सकता है कि जब आपने इन, इनसे फीलिंग एक्सप्रेस की थी उस टाइम में इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया था आपको और अब इनको हेजिटेट हो रहा है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में क्योंकि अब इनके दिल में प्यार मुझे दिख रहा है अब इनके दिल में मुझे फीलिंग्स दिख रही है आपके लिए ठीक है इमोशनल फीलिंग दिख रही है इमोशनल अटैचमेंट दिख रही है तो अब इनको आपको वो फील आपको वो एक्सप्रेस करने में इनको हेजिटेशन हो रहा है कि कैसे अब बोलो क्या बोलूँ अब ठीक है विल यू एक्सेप्ट द रियल मी देखिए मुझे ये कार्ड से ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और आप जो है इमोशनल अटैचमेंट अब नहीं चाहते होंगे ये वही वर्सा हो सकता है ठीक है दोनों की फीलिंग या फिर आप हो सकते हैं फिर आपके पर्सन हो सकते हैं मुझे आपके पर्सन थोड़े इमोशनल दिख रहे हैं दिल से वो इंसान बहुत इमोशनल है बहुत सेंटिमेंटल है और आपको अब नहीं चाहिए एक इमोशनल रिश्ता आपको बस कैजुअली आप डेटिंग करना चाहते हो कुछ दिन आप यू नो फ्लर्ट करना चाहते हो खुश रहना चाहते हो बस आपकी एनर्जी जो ऐसे देख रही हूँ मैं कि आपको खुश रहना है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना है या फिर बहुत सीरियस रिश्ता आपको भी नहीं चाहिए आप जस्ट एक कैजुअल रिश्ता चाहते हो कि थोड़ा सा हाई हेलो हो जाए थोड़ा सा यू नो बात हो जाए थोड़े मिल ले कभी हम हाल चाल पूछ ले या फिर थोड़ा सा रोमांटिक कुछ कोई बातें हो जाए ऐसा रिश्ता आपको चाहिए और इन ये जो हैं इंसान ये थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं और आपने इनको बोला होगा कि इमोशनल अटैचमेंट मुझे नहीं चाहिए ठीक है तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप जैसे ही हैं वैसे आप उनको एक्सेप्ट करोगे फर्स्ट एक कुछ लोगों के लिए ठीक है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए कुछ लोगों के लिए ये ये जो इंसान हैं ये थोड़े फ्लोटियस एनर्जी में रहते हैं हमेशा सबसे फ्लर्ट करते हैं इनके बिहेवियर में होगा हेल्दी फ्लर्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत यू you नो know, ऐसे वियर्ड वे में कि सुनने में ख़राब लगे फिर देखने में ख़राब लगे ऐसा नहीं हेल्दी वे में ये फ्लर्ट करते होंगे आपके फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करते होंगे और इनका एक बिहेवियर होगा ऐसा फ्लोटीशियस बिहेवियर और ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे ये हैं कि आप उनको वैसे एक्सेप्ट करोगे ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए हैं ठीक है और तीसरा ये कि ये इंसान हो सकता है कि आपसे दिखने में ज़्यादा इतने अट्रैक्टेड इतने अट्रैक्टिव नहीं हो, फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं हो, आप हर चीज़ में जो है हर मायने में आप इनसे ज़्यादा हैं ठीक है ठीके? ऐसा हो सकता है तो ये इंसान जो है इनको थोड़ा सा यू you नो know, एक इंफेरटी कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं आपसे आपके साथ कंपैटिबल होंगे या नहीं इंसान आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं जैसे कि हैं तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स uh, के लिए ये चीज़ें हैं ठीक है ठीके? हाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान इस इन्होंने आपको प्रपोज़ किया हो और आपने डिनाइल दिया हो कि आप इमोशनल रिश्ते के लिए अभी रेडी नहीं हो तो ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आई एम हैप्पी डोंट वरी अबाउट मी ठीक है तो मुझे जो दिख रहा है वो ये सिनारियो दिख रहा है आपके क्रश की कि या तो आपने इनको प्रपोज़ किया था और इन्होंने आपको डिनाइल दिया था या तो फिर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था और आपने ये कहा था कि मैं अभी इमोशनल रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ इतने इमोशनल अटैचमेंट के लिए मैं रेडी नहीं हूँ कैजुअल डेटिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत हाई हेलो थोड़ी सी यू you नो know, थोड़ा ज़्यादा अटैच नहीं हो के ज़्यादा सीरियस नहीं हो के ऐसे ही एज फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं हम ऐसा कुछ सीन हुआ होगा ठीक है ऐसा दिख रहा है मुझे सो so, एक इंसान यहाँ बहुत इमोशनल है और एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे दिख रहा है तो ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कई बार ऐसा हुआ होगा जब उन्होंने आपको हिंट दिया होगा तो आपने डिनाइल दिया होगा जब आपने उनको हिंट दिया तो उन्होंने डिया डिनाइल किया होगा ठीक है तो अभी मुझे ये लग रहा है कि दोनों ही आप जो हैं इमोशनली अटैचमेंट के लिए आप लोग तैयार नहीं है एक सीरियस रिलेशन के लिए आप लोग तैयार नहीं है थोड़ा टाइम इस रिश्ते को दें और उसके बाद डिसीजन लें मुझे एक ऑफ़र ज़रूर आपकी तरफ आ रहा है आते हुए दिख रहा है ठीक है ये इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं आगे जाके कुछ दिन के बाद या फिर जब प्रपोज करने का आपको सोच रहे हैं ठीक है सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि यू नो इनको गिल्टी फ़ील हो रहा है कि आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू तो मे बी um, जो डिनाइल इन्होंने दिया होगा तो थोड़ा सा आपको हर्ट हुआ होगा या फिर इन्होंने पहले फ्लर्ट आपके साथ बहुत किया होगा या फिर इन्होंने पहले ऐसा दिखाया होगा कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं ऐसा कुछ दिखाया होगा और जब आपने प्रपोज़ किया होगा इनको तो इन्होंने ऐसा कहा होगा कि नहीं मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ ठीक है तो आप उससे हर्ट हुए होंगे और ये इंसान आपसे यू you नो know, ये गिल्टी फील कर रहे हैं अभी कि ये क्यों इन्होंने आपको उस टाइम ऐसा बोला ठीक है इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है इनको लगता है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंपॉर्टेंट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आई हैव नेवर मिसड एनी वन एज मच एज आई मिसड यू तो ये आपको बहुत मिस करते हैं अभी मुझे लग रहा है कि इनके दिल में जो है आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और ये धीरे धीरे इंसान सीरियस हो रहे हैं आपको ले कर ठीक है फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम ओके ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है ओके okay, कि अभी आप दोनों इंट्रेक रेडी नहीं हैं थोड़ा टाइम और लें और उसके बाद यू नो डिसाइड करें कि आपको क्या करना है सो so ये थी आपके क्रश की फीलिंग आई होप कि कुछ गाइडेंस इससे आपको मिली हो मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें बने हमारे प्यारे से तो सोल फैमिली का हिस्सा मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए मस्त रहें व्यस्त रहें खुश रहें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें गॉड ब्लेस यू ऑल